हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। तो बिना देर किए आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, जो आयुर्वेद है हमारा, वो पूर्ण रूप से भारतीय प्रकृति की देन है, जिसका वर्णन हमारे पुरातन साम्राज्यों में चिकित्सा पद्धति के रूप में मिलता है। जो आज दुनिया भर में चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है, यह एक वैद्य और प्रमाणित चिकित्सा पद्धति है दोस्तों, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीजों से निर्मित है, जैसे कि पेड़ पौधे, झाड़ियां, पत्ते, फूल वगैरह से निर्मित होती है। इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का समावेश नहीं होता और एक संतुलित रूप से लेने पर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और इसी वजह से आयुर्वेद की दवाओं को आज भी सर्वोत्तम माना जाता है किसी भी बीमारियों के लिए। और इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, अर्थात जीवन के कार्य प्रणाली का अध्ययन एवं जीवन में होने वाली शारीरिक समस्या के उपचार विधि का अध्ययन करना। भारत के सबसे पुराने ग्रंथों जैसे चड़क संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है आयुर्वेद का और आयुर्वेद में किए जाने वाले चिकित्सीय विधियों का, कि किस तरह से किस बीमारी का उपचार किया जाना चाहिए आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।